अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आम तौर पे जब भी कैपेसिटर की बात होती है कि कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है, तो सवाल होता है कि बैटरी भी तो एनर्जी स्टोर करती है, तो फिर क्या डिफरेंस है कैपेसिटर में और बैटरी में। आज हम इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि बैटरी और कैपेसिटर में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनकी सिमिलैरिटीज़। तो कैपेसिटर और बैटरी में जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि ये दोनों एनर्जी स्टोर हाउस हैं, दोनों एनर्जी स्टोर करते हैं। दूसरी सिमिलैरिटी इनमें ये है कि जब आप बैटरी को किसी सर्किट में लगाते हैं तो ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है, ऐसे ही अगर कैपेसिटर को किसी सर्किट में लगाते हैं तो वो भी पोटेंशियल डिफरेंस ही सप्लाई करता है। अब हम डिस्कस करते हैं इनकी डिसिमिलैरिटीज़, इनमें फ़र्क क्या होता है। तो पहला डिफरेंस ये है कि द वे टू स्टोर एनर्जी, बैटरी और कैपेसिटर का एनर्जी स्टोर करने का तरीका मुख्तलिफ है। बैटरी में एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, केमिकल की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, उसमें हम एसिड वगैरह डालते हैं। जबकि कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो रही होती। दूसरा पॉइंट, द वे टू रिलीज एनर्जी, एनर्जी रिलीज करने का तरीका भी इन दोनों का मुख्तलिफ है। आप देखें कि बैटरी जो है उसको आप सर्किट में लगा दें तो काफ़ी देर तक, कई घंटे तक एनर्जी सप्लाई करती रहती है, लेकिन कैपेसिटर ऐसा नहीं करता। कैपेसिटर जो है वो इंस्टेंटली एनर्जी रिलीज करता है। आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे इस डैम की एग्जांपल ले रहे हैं, डैम में पानी भरा हुआ है तो हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी है। अगर आप इस डैम से कुछ नहरें निकाल लें, कुछ ड्रेन्स निकाल लें, तो काफ़ी देर तक इन ड्रेन्स में पानी जो है वो फ्लो करता रहेगा, एनर्जी सप्लाई होती रहेगी। बैटरी इसी तरह से काम करती है कि ये कंटिन्यूसली एनर्जी सप्लाई करती रहती है। जैसे आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी है तो कई घंटे तक वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करती रहती है, लेकिन कैपेसिटर जो है उसको आप इस तरह से समझें कि डैम है, उसमें पानी भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर है, और अगर आप इस बंद को तोड़ देते हैं तो एकदम से बहुत ज़्यादा पानी फ्लो कर जाता है। ऐसे ही कैपेसिटर में जो एनर्जी है वो इंस्टेंटली फ्लो कर जाती है, बहुत कम टाइम में आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो कैपेसिटर और बैटरी के एनर्जी रिलीज करने का जो तरीका है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। तीसरा पॉइंट, अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितनी अमाउंट स्टोर होनी है एनर्जी की। तो आमतौर पे बैटरी जो है उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टोर होती है, कंपैरेटिवली कैपेसिटर में कम एनर्जी स्टोर होती है। चौथा पॉइंट है चार्जिंग टाइम, बैटरी को चार्ज करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, घंटों तक आपको दरकार होते हैं बैटरी को कम्प्लीटली चार्ज करने के लिए, जबकि कैपेसिटर जो है वो माइक्रो सेकंड से मिली सेकंड में चार्ज हो जाता है। तो चार्जिंग टाइम का डिफरेंस है। ऐसे ही पांचवा पॉइंट है डिस्चार्जिंग टाइम, बैटरी जो है वो घंटों डिस्चार्ज होती रहती है, कई घंटे तक आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन कैपेसिटर जो है वो अब्रप्टली डिस्चार्ज हो जाता है, विद इन मिली सेकेंड्स टू माइक्रो सेकेंड्स। तो डिस्चार्जिंग टाइम भी इन दोनों का डिफरेंट है। सिक्स पॉइंट है पोटेंशियल डिफरेंस, अगर आप बैटरी को किसी सर्किट में लगा देते हैं तो वो आपको लॉन्ग टाइम के लिए कॉन्स्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती रहती है, लेकिन अगर आप कैपेसिटर को सर्किट में लगाते हैं तो पोटेंशियल जो है वो अब्रप्टली डिक्रीज कर जाता है, बहुत जल्दी से डिक्रीज कर जाता है, वो कॉन्स्टेंट नहीं रहता। सातवां पॉइंट है इनकी कंपोजिशन, तो कंपोजिशन भी मुख्तलिफ होती है। बैटरी में आमतौर पे आप कंडक्टिंग प्लेट्स यूज़ कर रहे होते हैं और उनके दरमियान आपने केमिकल यूज़ किया होता है, लेकिन जो कैपेसिटर है उसमें आप दो कंडक्टर्स यूज़ कर लें और उन कंडक्टर्स के दरमियान कोई इंसुलेटर, कोई इंसुलेटिंग मीडियम रख दें, तो ये कैपेसिटर तैयार हो जाता है।
आठवां पॉइंट है एसी और डीसी सर्किट्स। आम तौर पे जो बैटरी है उसको डीसी का सोर्स माना जाता है, डायरेक्ट करंट का सोर्स माना जाता है, तो ज़्यादातर डीसी सर्किट्स में बैटरी यूज़ हो रही होती है, लेकिन कैपेसिटर जो है ये ज़्यादातर एसी सर्किट्स में यूज़ होता है। तो ये थे कुछ इनके डिफरेंसेस। इससे आपको आइडिया होता है कि कैपेसिटर और बैटरी जो हैं वो दोनों मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, इसलिए इनकी एप्लीकेशंस भी मुख्तलिफ हैं। नेक्स्ट जब हम एप्लीकेशन के ऊपर एक लेक्चर होगा तो फिर आपको और ज़्यादा क्लियर होगा कि कैपेसिटर जो है वो हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।